सरकार द्वारा आज विधानसभा के पटल पर 6 विधेयक रखे गए। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संशोधन और सरलीकरण, राजस्थान संशोधन विधेयक, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2020, सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 पेश किए गए। और जो मंडी फीस के अंदर जो केंद्र सरकार ने अपने बिल के अंदर देश के किसानों को मुक्त करने का काम किया, उन्हें वापस लादने का काम कर रही है, इन बिलों का वैधानिक तौर पर लागू होना असंभव है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट में बिल कानून तभी बनता है जब राज्य महामहिम राज्यपाल के बाद महामहिम राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 24 सितंबर को केंद्र के तीनों बिलों पर हस्ताक्षर करके उसे प्रचारित कर दिया, इसलिए सिवाय आईवास के और राजस्थान के किसानों को गुमराह करने के एक कुत्सित प्रयास के अलावा इन बिलों के पारण के साथ सदन का समय जाया करने के अलावा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। किसान के हितों की सुरक्षा के लिए, खेत खलियान को बचाने के लिए, किसान को गुलामी की जंजीरों से बचाने के लिए हम बिल लेकर आए। बिल लेकर आना हमारा अधिकार है और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश में किसान खेत खलियान ही बचा था, अब उस पर भी हमला कर दिया केंद्र की सरकार ने।